और खबर रानीखेत से है, जहां पर 10 दिन से चल रही पेयजल निगम में इंजीनियरों की हड़ताल को लेकर मुख्य इंजीनियर कुमाऊं रानीखेत पहुंचे हैं। बता दें कि पेयजल निगम के जेई और एई 10 दिनों से अधिशासी इंजीनियर के ट्रांसफर सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर मुख्य इंजीनियर रानीखेत पहुंचे और उन्होंने अधिशासी इंजीनियर, अन्य स्टाफ और हड़ताल पर बैठे इंजीनियरों से अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से बात करने पर उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है, अगर बातें नहीं मानी गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं उनकी कुछ कंप्लेन थी और आज उस पर जो है हम लोगों ने डिटेल में बात की है और सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स की, स्टाफ की, एक्सियन की और एज की, सबके जो है स्टेटमेंट लिए हैं और हमने जो है इन्हें समय दिया है 24 घंटे का। काफ़ी कुछ हमने समझा दिया है, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। देखते हैं आगे 24 घंटे बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।